नमस्कार दोस्तों, कैलेंडर के ऊपर ये मेरा तीसरा वीडियो है। पिछले दो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कौन सा कॉन्सेप्ट होता है जो जिसपे कैलेंडर बेस्ड होता है, ठीक है। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है, परिभ्रमण क्या होता है, कैसे आप जो है पता कर सकते हो कौन सा साल लीप ईयर है या नहीं है, और क्या कैलकुलेशन है कि आप जो है 1500 सेंचुरी जो होगी वो लीप ईयर नहीं है जबकि 1600 लीप ईयर है। ये सारे डिस्कशन हमने पिछले दो वीडियोस में करे हुए हैं, ठीक है। अब आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन। इसको कैसे यूज करेंगे फॉर्मूले को आप कैलेंडर के कैलकुलेशन में, ठीक है। कैसे आप पता करोगे फॉर्मूले का यूज करके कि किस तारीख, कोई फला तारीख होगा किसी सन में, उस दिन कौन सा दिन था, ठीक है, उस पर्टिकुलर डेट को कौन सा दिन था, क्या डे था। ये आप एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप उसको अपने दिमाग में बिठा लेते हो, आप प्रैक्टिस कर लेते हो, तो 1 या 2 मिनट्स के अंदर जो है आप सॉल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ध्यान देते हैं कि क्या फॉर्मूला है, ठीक है। उससे पहले कुछ जरूरी चीज है, वो आपको समझना काफी जरूरी है। नंबर वन जो हम इसमें यूज करते हैं वो होता है मंथ कोड, ठीक है। मंथ कोड क्या है, ठीक है, एक सीरीज ऑफ नंबर्स है जो जनवरी से लेके दिसंबर को रिप्रेजेंट करता है। उसको याद करने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको बता दूंगा, पहले आप इस पे ध्यान दीजिए। मंथ कोड क्या है, 1 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6, ठीक है। ये मंथ कोड क्या है, अलग अलग डिजिट अलग अलग मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे, ठीक है। लेट्स से 1 रिप्रेजेंट्स जनवरी, 2 फॉर फरवरी, मार्च एंड सो ऑन, 6 फॉर दिसंबर, ठीक है। इसको याद करने का क्या तरीका है मैं वो थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप ये याद कर लो कि अगर सपोज लीप ईयर है, ठीक है, ये नॉर्मल ईयर के लिए है ये फॉर्मूला, नॉर्मल ईयर। अगर लीप ईयर है तो यहां पे जनवरी और फरवरी में बस चेंजेस होंगे, बाकी सब सेम होगा। जनवरी में 0 हो जाएगा और फरवरी में 3 हो जाएगा, मतलब -1 हो जा रहा है यहां पे -1 हो जा रहा है, बाकी सब कुछ सेम होगा, ठीक है। अब इसको याद करने का क्या तरीका है, 1 4 4, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो, 12 स्क्वेयर, ठीक है, 0 2 5 5 स्क्वेयर, 0 3 6 6 स्क्वेयर, 1 4 6 को आप कर सकते हो 12 स्क्वेयर + 2। इस तरीके से आप ये अपने माइंड में बिठा सकते हो, ठीक है। जब फॉर्मूला आगे मैं बताऊंगा तो उसमें मंथ कोड का यूज होगा, ठीक है। जिस मंथ में आपको तारीख पता करना होगा वहां पे इस पर्टिकुलर नंबर को ऐड करना होगा, ठीक है। दिस इज योर मंथ कोड, इसको हमेशा मैं रिप्रेजेंट करूंगा मंथ कोड से, ठीक है। सेकेंड, सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड क्या है, वो है 6 4 2 0, ठीक है। 6 किसके लिए रिप्रेजेंट होगा, जो सेंचुरी 400 के मल्टीपल में है, ठीक है। सेंचुरी नहीं बोलूंगा उसको मैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप 400 की बात करोगे, दिस इज 401st सेंचुरी। अगर 401 से लेके 499 की बात करोगे तो 401st सेंचुरी वो हो जाता है, ठीक है। तो जो भी आपके सन है अगर वो 400 से 499 है, ठीक है, या 400 का मल्टीपल हो गया 800, ठीक है, फिर 1200, 1600, 2000, ठीक है, तो अगर कोई भी ईयर है इस बीच में फॉल करता है, ठीक है, तो आप फॉर्मूला में 6 ऐड करोगे सेंचुरी कोड की जगह, ठीक है। 4 कहां पे ऐड करना है,
इसके जस्ट बाद वाला जो ईयर आ रहा है, ठीक है, जो सेंचुरी आ रही है एक्चुअल में, ठीक है, वो क्या हुआ 500 टू 599। पहले ये आप याद कर लो, ये चीजें आप बाद में ऐड कर सकते हो, ठीक है। 8 के बाद क्या आता है 900, इसके बाद आता है 1300, इसके बाद आता है 1700, इसके बाद आता है आपका 2100, ठीक है। मतलब 500 से लेके 599 जो भी ईयर होगा, ठीक है, उसमें आप जो है 4 ऐड करोगे, और 2100 से लेके यहां पे 2199, ठीक है, यहां पे आप 4 ऐड करोगे सेंचुरी कोड की जगह, तो फॉर्मूला आएगा, ठीक है। इसके बाद मतलब पहले 400, उसके बाद 500 पे 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 2 गया 0, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो 400, मतलब जो 400 से डिवाइड हो रहा है वो वाले जो सेंचुरी होगी, ठीक है, तो उसमें आप 6 ऐड करोगे, उसके अगली वाले में 4, उसके अगले वाले में 2, उसके अगले वाले में 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया 600 टू 699, इसी तरीके से 1000, ठीक है, ये आपका, ये इसको मैं कर दे रहा हूं, ये 1800, 1899, और ये हो गया 2200 से लेके 2299, ठीक है। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपसे कभी अगर पूछ सकता है तो 18 इस वाली सेंचुरी में पूछ सकता है कि 1869 में 2 अक्टूबर को कौन सा दिन था, ठीक है, या तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगा 1900 समथिंग में, या तो फिर आएगा 2000 में, अभी इससे ऊपर क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, ठीक है। अब आ जाते हैं जीरो वाले के लिए, ठीक है, जीरो वाले के लिए कौन सा आएगा 700 से लेके 799 तक, 1100 से लेके 1199 तक। इसके पीछे तो अगर मैं कैलेंडर की बात करूं तो 1100 वगैरह में जो कैलेंडर था वो हमेशा गलत आपको दिखाया गया, क्योंकि उस समय ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज नहीं होता था, ठीक है। 1900 से लेके आप तो 1999, और ये आपका आ गया 2300 से लेके 2399, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं क्वेश्चंस में वो आएगा ये, या फिर आपका ये आ सकता है, ठीक है। 1800 समथिंग में कुछ भी पूछा जाएगा सेंचुरी कोड में आप 2 ऐड करोगे, ठीक है। अगर 1900 के समथिंग में किया जाएगा तो कोई ऐड नहीं करना है, ठीक है। और अगर 2000 में कोई भी डेट दिया गया हो और आपको निकालना है कि उस दिन उस तारीख को क्या डे है, तो उस समय 6 ऐड करोगे आप, ठीक है। चलिए सेंचुरी कोड हो गया, अब फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, फॉर्मूला है ईयर, कौन सा ईयर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, इसका हमें बस 2 डिजिट लेना है, ठीक है। जैसे 1969 की आप बात करोगे तो यहां 69 लेना, मतलब लास्ट टू डिजिट्स, ठीक है, ईयर प्लस ईयर बाय 4, ठीक है। ईयर मतलब यही होगा लास्ट टू डिजिट, ठीक है, ईयर मतलब यही लास्ट टू डिजिट होगा, ठीक है। बाय 4 जब हम करेंगे तो जो हमारा होल नंबर आएगा विदाउट फ्रैक्शन विदाउट डेसिमल्स वही हम यहां पे यूज करेंगे, ठीक है, जो पूर्णांक आता है विदाउट फ्रैक्शंस और डेसिमल्स, ठीक है। ये हो गया प्लस डेट, क्या डेट है, प्लस क्या मंथ कोड है, मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड
अपॉन 7 अब इसमें हम ये देखते हैं जब अपॉन 7 करेंगे तो क्या रिमाइंडर आ रहा है। पूरा ये जो कैलकुलेशन बेस्ड होता है ये रिमाइंडर के ऊपर होता है कि क्या रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। सेवन से डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर आ रहा है उसी पे पूरा का पूरा बेस्ड है कि कौन सा दिन होगा। ठीक है, सपोज अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है इट मीन संडे होगा। क्या होगा? संडे। 2 आ रहा है, मंडे होगा। 3 आ रहा है, ट्यूसडे होगा। 4 आ रहा है, वेंसडे होगा। 5 आ रहा है, थर्सडे होगा। 6 आ रहा है, फ्राइडे होगा। ठीक है, अगर कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा मतलब रिमाइंडर अगर 0 है तो उस दिन क्या होगा? उस दिन सैटरडे होगा। क्या होगा? सैटरडे। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका फॉर्मूला बन जाता है कि क्या आपको करना है, कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, कोई भी दिन आप, कोई भी डेट होगा उस दिन मैं आपको बताऊंगा कौन सा दिन होगा, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, मैं इसको रिमूव करता हूं। सुविधा के लिए मैं लिख लेता हूं कि फॉर्मूला क्या है, यहां छोटे से लिख लेता हूं ताकि कैलकुलेशन जब करूंगा तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, जो मंथ कोड था वो था 144 025 036 146। ठीक है, ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। एंड द सेंचुरी कोड क्या था? 6420। ठीक है, और रिमाइंडर आपको रिमाइंडर पता ही है। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला हर जगह मैं लिखूंगा वैसे, तो फॉर्मूला यहां लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं एक क्वेश्चन करता हूं। ठीक है, 9 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, ये डे क्या होगा इस दिन, ये हमें निकालना है। ठीक है, सेंचुरी कोड के ऊपर पहले ध्यान दे लेते हैं क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी पूछा जाएगा आपसे 1800 समथिंग पूछा जाएगा, 1900 या 2000 समथिंग पूछा जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि ये लीप ईयर है। ठीक है, अगर हमने इसमें जनवरी और फरवरी होता तो हमें ये जो फॉर्मूला है 144 के जगह पे 034 हो जाता। ठीक है, क्योंकि जनवरी फरवरी नहीं है, हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2000 समथिंग जो आता है वो इसमें आता है, इस वाले ग्रुप में आता है। ठीक है, 2000 से लेके 2099 तक इस ग्रुप के अंदर आता है, इसमें 6 ऐड होगा सेंचुरी कोड में। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, फॉर्मूला आपका है 2 ईयर। ठीक है, ईयर में हमें लास्ट 2 डिजिट लेनी है बस, ईयर बाई 4। इसमें क्या लेना है हमें? होल पार्ट लेना है, डेसिमल नहीं लेना है। प्लस डेट, डेट लेना है। ठीक है, प्लस मंथ कोड, प्लस सेंचुरी कोड। ठीक है, अपॉन 7 करना है। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। ईयर क्या है हमारा? 2020 में है, लास्ट 2 डिजिट लेना है। यहां पे क्या आ जाएगा? 20। ठीक है, 20/4 मैं लिख लेता हूं, पूरा का पूरा लिख रहा हूं ताकि आपको कैलकुलेशन समझ में आए। डेट है 9 सितंबर, 9 यहां पे आप लिख लो। मंथ कोड क्या है? सितंबर के लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, इधर सितंबर के लिए 6 आ जा रहा है, आप यहां पे 6 ऐड कर दीजिए। सेंचुरी कोड क्या है? 2000 से लेके 2099 तक कुछ भी, उसके लिए 6 आ रहा है। ठीक है, अपॉन 7। ठीक है,
पहले मैं इसको पूरा सॉल्व कर देता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि आप इसमें शॉर्टकट क्या यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया 20 प्लस 4 5 जेड 25 प्लस 9 6 6 ठीक है अपॉन 7 ये शायद 46 आ रहा है। ठीक है, ये 46 बाई 7 आ रहा है, तो इसमें क्वेश्चन क्या जाएगा, 7 6 42 होता है। ठीक है, और आपका रिमाइंडर आ जाता है 4। ठीक है, ये रिमाइंडर आ रहा है 4। मैंने आपको क्या बताया था, रिमाइंडर जो आएगा अगर 1 आ रहा है तो संडे होगा, मतलब संडे से हम काउंट करते हैं, तो क्या हो गया डे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक है, ये अगर 1 रहता तो संडे आता, 2 रहता तो मंडे आता, 3 रहता ट्यूसडे आता, 4 है वेडनेसडे, मतलब आपका आंसर मिल गया। क्या आंसर है आपका कि यहां पे कौन सा दिन होगा, दैट विल बी वेडनेसडे। ठीक है, आप चेक कर सकते हो कैलेंडर से कि 9 सितंबर को वेंसडे है कि नहीं है। ठीक है, दूसरे कैलकुलेशन करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करते हैं, मैं रिमूव कर रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं, 26 जनवरी 1950 में कौन सा दिन था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 जो ईयर है उस तारीख को कौन सा दिन था। चलो कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ईयर ईयर बाय 4। ठीक है, डेट मंथ कोड सेंचुरी कोड अपॉन 7। ठीक है, 1900 समथिंग है, इसमें सेंचुरी कोड क्या लागू होगा, मैंने आपको बताया था कि 1900 के लिए जो सेंचुरी कोड आ रहा है पीछे देखिएगा, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, वो 0 आ रहा है। 1900 से लेके 1999 तक कोई भी डेट है उसमें आपका जो सेंचुरी कोड होगा वो होगा 0। ठीक है, तो 0 ऐड करो नहीं ऐड करो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ईयर क्या है 50, हमें लास्ट 2 डिजिट लेना है। ठीक है, 50 बाई 4। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने कैलकुलेशन को शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, डेट क्या है 26 जनवरी, मंथ कोड क्या है जनवरी है, और 1950 है। ठीक है, ये 4 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, 54 से डिवाइड नहीं होता, तो लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है, तो हम जो है 1 ही करेंगे इसमें ऐड, मतलब 1 ऐड हो गया। ठीक है, सेंचुरी कोड ऐड करने की जरूरत नहीं है, 0 है बाय 7। ठीक है, 50 बाई 4। ठीक है, हमने बोला है हमेशा आप होल पार्ट लोगे, डेसिमल पार्ट आपको नहीं लेना है, कोई भी राउंड ऑफ नहीं करना है। ठीक है, 12 4 48 होता है 12। ठीक है, प्लस 26 प्लस 1। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इजिली कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, राधर देन कि आप इसका पूरा सम करो फिर 7 से डिवाइड करो, आप यही चेक कर लो कि क्या रिमाइंडर आ रहा है एक एक पार्ट पे आपका। ठीक है, फिर आप उसको ऐड कर सकते हो, रिजल्ट सेम आएगा, 7 7 49 रिमाइंडर आ गया 1, 7 1 7 रिमाइंडर आया 5, 7 2 3 21 रिमाइंडर आया 5, यहां पे रिमाइंडर 1 बचा हुआ। ठीक है, आप इसको ऐड कर सकते हो, आप 5 1 6 5 11 1 12 12 बाई 7। ठीक है, आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है यहां पे,
अब 5, ठीक है। तो डे क्या होगा, 5 मतलब थर्सडे, 5 मतलब थर्सडे, आप चेक कर लो, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, ये थर्सडे। इट मींस कि यहां पे 1950 में 26 जनवरी को कौन सा दिन होगा, दैट विल बी थर्सडे। कितना इजी है, आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो एक मिनट डेढ़ मिनट दो मिनट में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और करते हैं, 15th July 2019 कौन सा डेट था, ठीक है, 15th July 2019। मैं सीधे सीधे करता हूं, ठीक है, ईयर ईयर बाय 4 ओनली होल पार्ट, ठीक है, 4 4 16, 4 हो गया, ठीक है, डेट 15th July, मंथ कोड जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 0, मंथ कोड यहां से 0 आया, ठीक है, सेंचुरी कोड 2000 के लिए सेंचुरी कोड बनता है 6, ठीक है, अपॉन 7, ठीक है। रिमाइंडर चेक करते हैं हम यहां से, 5 रिमाइंडर, 4 रिमाइंडर ऑलरेडी है, 1 रिमाइंडर, 6 रिमाइंडर, ठीक है, ये देखिए 6 + 1 = 7, 7/7 रिमाइंडर 0 बच गया, ये भी हटा सकते हो, शॉर्टकट है, 5 4 9, 9 upon 7, यहां पे रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका, रिमाइंडर आ गया आपका 2, ठीक है। तो 15th जुलाई 2019 को कौन सा डे हुआ, संडे मंडे, क्या हुआ मंडे। कितना इजी है, तुरंत आ गया, 2 मिनट के अंदर कोई भी डेट आप ले सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 17th June 1982, ठीक है, ईयर 82, ठीक है, ईयर बाय 4, 24 / 80, 17 जून तारीख 17, 17 जून, मंथ कोड जून, जून का क्या है 0 to 5, 5, ठीक है, 1900 समथिंग के लिए 0 यूज होता है, आपको मैंने बताया हुआ पहले ही, ठीक है, सेंचुरी कोड में आप देख सकते हो 0, ठीक है, कोई जरूरत नहीं उसे करने की, 7, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ रहा है चेक करो फटाफट, यहां पे 5 रिमाइंडर आएगा, चेक कर लीजिए, ठीक है, यहां पे रिमाइंडर आएगा आपका 6, यहां पे आएगा 3, ये 5 है ही, ठीक है, ठीक है, 5 + 3 = 8, 8 + 6 = 14, 14 = 5, 19/7, 7 2 = 14, रिमाइंडर आएगा आपका 5, ठीक है, रिमाइंडर क्या है 5, जब 5 रिमाइंडर है तो आपका रिक्वायर्ड डे क्या होगा, थर्सडे होगा, आप देख सकते हैं 5 मतलब 1 रहता संडे आता, 2 रहता तो मंडे, 3 रहता तो ट्यूसडे, 4 रहता तो वेंसडे, एंड 5 है तो थर्सडे, ठीक है। आप चेक कर सकते हो कैलेंडर से, 17th जून 1982 को थर्सडे होगा, ठीक है। ये जो है फॉर्मूला आपको एक्चुअल रिजल्ट देता है, ठीक है, कि एक्चुअल में कौन सा दिन था किसी भी तारीख में, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन आते हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं, रिमूव करता हूं मैं। एक जो क्वेश्चन आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, सीधे सीधे डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि आप फला फला तारीख को फला फला सन में कौन सा दिन था, सीधे आप फॉर्मूला पे लगाइए, आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि सपोज कोई फला डेट है, फला सन में, उस दिन मंडे था, तो उसके बाद 2 महीने बाद 4 महीने बाद 6 महीने बाद पूछ सकता है कि इस तारीख को कौन सा दिन होगा। जैसे
ठीक है। इसमें जरूरी नहीं कि आपको फैक्ट दे, जरूरी नहीं कि कैलेंडर में जो एक्चुअल डे है किसी डेट को वही दे। सपोज उन्होंने बोल दिया कि 1st जनवरी 1989 को, ठीक है, अगर संडे है, ठीक है, तो 1st सितंबर 1989 को कौन सा दिन होगा, इन्होंने पूछ दिया यहां, ठीक है। आप क्या करते, अगर आपसे पूछा जाता है कि सपोज आज एक तारीख है, अगर आज संडे है, ठीक है, तो अगला संडे कब आएगा, ठीक है, क्या करते हो आप उसमें 7 ऐड कर देते हो, 8 तारीख को अगला संडे बन जाता है, ठीक है। या दूसरे तरीके से बोला जाए कि सपोज फर्स्ट, कोई भी फर्स्ट मान लो अप्रैल, कोई भी सन है, उस दिन मान के चले वेंसडे है, ठीक है, तो अगला वेंसडे कब आएगा, तो आप क्या करते हो 7 ऐड कर देते हो। या आपसे पूछा जाए कि 15th अप्रैल को क्या डेट होगा, तो आप क्या करते हो, सीधे सीधे ये करते हो कि अगर 1st अप्रैल को वेंसडे है, इट मींस कि 8 को भी, 8 अप्रैल को भी वेडनेसडे होगा, 8 + 8 + 7 15 को भी वेंसडे होगा। आप क्या करते हो 7 से आप मल्टीप्लाई करते जाते हो, 7 ऐड करते जाते हो, तो आपको पता है कि वेंसडे आएगा। अगर 15 की जगह 16th की बात करूं, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो है 7 ऐड करने पे आपको 15th आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 15th के बाद 16th को क्या आ जाएगा, 15th को अगर वेडनेसडे है तो 16th को आपको थर्सडे आ जाएगा। ये तो करते हुआ, ठीक है, 1 + 7 + 7 + 1, ठीक है, यही तो है। 1st अप्रैल हो गया, इसमें आपने 7 ऐड किया, तो यहां भी आएगा, क्या आएगा आपका वेंसडे आएगा, 8 हो गया, 8 + 7 = 15 हो गया, इस दिन भी वेंसडे होगा। अब 15 के बाद 16 जो है उसमें 1 ऐड किया गया, तो क्या होगा कि अगला जो वेंसडे के बाद दिन होगा वही होगा, यही करते हैं, ठीक है। एक तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो किसी क्वेश्चन को, जैसे ये 1st जनवरी 1989 में अगर संडे दे रहा है, तो 1st सितंबर में क्या होगा, तो आपकी कैलकुलेशन क्या बनती है यहाँ पे, आप कैलकुलेशन क्या करते हो कि जनवरी में कितने दिन आपके पास रिमाइंडर बचे हुए हैं, ठीक है, ठीक है, जनवरी में आपके पास 30 दिन बचते हैं, फरवरी 1989 की मैं बात करूं तो लीप ईयर नहीं है, इसमें क्या बचेगा आपको 28 डेज बचेंगे, फिर क्या होगा फरवरी के बाद मार्च 31, अप्रैल में क्या बचता है आपके पास 30 बचता है, मई में क्या बचता है 31 बचता है, ठीक है, जून में क्या बचता है 30 बचता है, जुलाई में क्या बचता है 31 बचता है, अगस्त में भी 31 होता है, ठीक है। अगस्त के बाद फिर हमें आपको 1st सितंबर को बताना होता है कि क्या तारीख है, ठीक है, सॉरी क्या डेट आएगी, ठीक है, क्या डे आएगी, तो वो नंबर 1 हो गया। इन सबको ऐड करते हो आप, जो भी आता है, सपोज एक्स आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक है, इसमें आप 7 से डिवाइड करते हो, उसके बाद चेक करते हो कि रिमाइंडर क्या है, ठीक है, रिमाइंडर क्या, वो रिमाइंडर जो होगा, ठीक है, आप उसको इसमें ऐड करोगे, ठीक है। सपोज मैं बोल रहा हूं कि रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उस दिन संडे होगा, अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो संडे के बाद क्या हो जाएगा, मंडे आ जाएगा, ठीक है, अगर 2 है तो ट्यूसडे आ जाएगा, मतलब संडे से उतना ऐड कर देना, उतना अगला दिन ले लेना, ये आपका कन्वेंशनल मेथड हो गया कि कैसे आप चेक करते हो कि इतने दिन बाद, इतने साल बाद कैसे आप जो है निकाल पाते हो कि कौन सा दिन था, जबकि आपको रेफरेंस में दिया रहता है कि 1st जनवरी 1989 को संडे था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप फॉर्मूला को यूज करके कैसे, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपके लिए इतना इजी नहीं है कि आप हमें कहीं पे भी एक मिस्टेक हुई तो आपका पूरा का पूरा कैलकुलेशन ही गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो आप जो फॉर्मूला है उसको बेस्ड, मतलब उसको बेस बना के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे मैं दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। आप फॉर्मूले से कैसे इसको सॉल्व करोगे, फॉर्मूला से आप तुरंत निकाल पाते हो कि एक्चुअल में डेट क्या है, ठीक है। सपोज 1st जनवरी 2020 को संडे था, ठीक है, तो 1st सितंबर 2020 को क्या डे होगा, ठीक है, ये आपको निकालना है। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फटाफट यूज करेंगे, ये कैलकुलेशन आप देखिएगा, ठीक है।
अब पहले तो मुझे ये चेक करना है कि क्या 1 जनवरी को संडे था। अगर संडे था तो ठीक है, अगर नहीं है, नहीं है तो कितना दिन आगे या कितना दिन पीछे है, ठीक है। 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन है, मैं वो चेक कर रहा हूं, ठीक है। फॉर्मूला यूज करते हैं, ईयर, ईयर बाय 4, 5 आ जाएगा। डेट क्या है, 1 जनवरी, ठीक है। मंथ कोड क्या है जनवरी का, नॉर्मल अगर ईयर रहता तो 1 होता, ठीक है, लेकिन ये लीप ईयर है, 2020 इज लीप ईयर, यहां पे 0 यूज हो जाएगा लीप ईयर के लिए, ठीक है। सेंचुरी कोड क्या है 2000 के लिए, 6 है, ठीक है, अपॉन 7। यहां पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 5, 1, 6, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ रहा है आपके पास, 4। रिमाइंडर 4 आ रहा, तो एक्चुअल में 1 जनवरी को क्या दिन था, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है। एक्चुअल में यहां पे वेडनेसडे था, ठीक है, एक्चुअल में वेडनेसडे था, और यहां पे क्या हो गया, संडे यूज किया गया, मतलब संडे में से कितने दिन पहले, आई मीन वेंसडे में से कितने दिन पहले संडे आता है, ठीक है, वो आप चेक करिए। वेंसडे से 1 दिन पहले क्या आता है, ट्यूसडे, 2 दिन पहले मंडे, 3 दिन पहले संडे, तो -3, ठीक है, -3 करके यहां पे संडे आया हुआ, ठीक है। तो अब हम एक्चुअल निकालेंगे कि 1 सितंबर 2020 का क्या दिन, क्या जो है दिन हो रहा है, उसमें से -3 कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए 1 सितंबर 2020 के लिए मैं कैलकुलेशन करता हूं, 20 ईयर हो गया, 20 by 4, ठीक है, 5 हो गया, सितंबर 1 सितंबर है, मंथ कोड सितंबर के लिए 6 यूज होगा, सेंचुरी कोड 6 है अपॉन 7, यहां रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा रिमाइंडर, 5 है ही, 1 है ही, 6 एंड 6, ठीक है, 6 + 1, 7, ये रिमाइंडर कट गया यहां से, ठीक है, 17, ठीक है, बाई 7, 3, रिमाइंडर 3 आया। तो एक्चुअल जो आपके कैलेंडर से आप देखोगे कि जो डेट आ रही है उस दिन, डे आ रहा है, वो है आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे आ रहा है एक्चुअल। लेकिन यहां पे आप देखोगे कि चूंकि यहां पे वेडनेसडे से -3 संडे यहां पे यूज करा गया, आप इनसे 3 दिन पीछे चले जाओगे, ठीक है, 3 दिन पीछे आप गए तो क्या हो गया, ट्यूसडे से पहले क्या आता है, ट्यूसडे से पहले क्या आता है आप बताइए, मंडे, मंडे से पहले क्या आता है, संडे, संडे से पहले क्या आता है, सैटरडे, तो इस दिन आपका सैटरडे होगा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो कोई भी क्वेश्चन आपका आता है, आप इजिली फॉर्मूला से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ट्यूसडे था, ट्यूसडे से 3 दिन पहले क्या आ गया, मंडे, संडे, सैटरडे, ठीक है। यहां पे क्या था, वेडनेसडे, वेडनेसडे से 3 दिन पहले क्या आता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे एंड संडे, ठीक है, यहां 3 माइनस करा गया, ये एक्चुअल से 3 दिन पीछे यहां पे दिया गया है, ठीक है। तो एक्चुअल जो आप निकालते हो उसे 3 दिन पीछे यहां कर दो, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी क्योंकि आपको ये फॉर्मूला बाय हार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपका मंथ कोड जिसका मैंने बताया था आपको, 144 मतलब 12 स्क्वायर, 025 मतलब 5 स्क्वायर, 036 मतलब 6 स्क्वायर, 146 के लिए हमने बताया था, यूज कर सकते हो 12 स्क्वायर + 2 मतलब याद करने के लिए, कुछ बार याद करोगे 2-4 बार आपको ये याद हो जाएगा। बाकी ईयर कोड के लिए 6420 मतलब आपको 6 से शुरू करना है, -2 कर दोगे 4 आ जाएगा, -2 कर दोगे 2 आ जाएगा, -2 कर दोगे 0 आ जाएगा, ये आपका ईयर कोड हो जाता है। याद करने का तरीका क्या है कि ये जो शुरुआत करते हो आप वहां से शुरुआत करते हैं जो लीप ईयर, सेंचुरी में लीप ईयर होगा, जैसे 400, 800, 1600, 2000, सो ऑन, ठीक है।
इसी तरीके से उसके बाद वाला जो साल होगा 500, ठीक है, वो आपके लिए उसमें 4 ऐड करोगे आप, ठीक है। उसके बाद जो होगा 600 वाले में ये ऐड करोगे। ऐसे मैं बोलूं नजदीक का जो हमारे साल है उसमें अगर मैं बात करूं, जो 2000 होगा उसके लिए आप 6 यूज करोगे, ठीक है। अगर 4 की मैं बात करूंगा तो आप 2100 के लिए इसको यूज करोगे, ठीक है। 2 की अगर मैं बात करूं 2200 के लिए यूज करोगे, और 0 की बात करूं तो 2300 के लिए यूज करोगे। इसी तरीके से मैं इधर से चलता हूं, 0 मतलब 1900 के लिए आप यूज करोगे 0, ठीक है, और 2 यूज करोगे आप 1800 के लिए, ठीक है। किसी तरीके से आपको चलना है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपको फॉर्मूला भी अब पता हो गया, आप प्रैक्टिस कीजिए, आप कोई भी क्वेश्चन कैलेंडर के ऊपर आता है आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं शायद कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।